रविंद्र जी, इनसे बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन खाद्य तेलों का वायदा बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाला कारोबारी सप्ताह लाल निशान से हरे निशान में जाता हुआ नजर आ पाएगा और कीमतों में एक नई ऊंचाई देखने को मिल पाएगी? देखिए, ऑयल सीड पैक की बात करें तो ऑयल सीड पैक में करेक्शन जो है ये बढ़ती जा रही है, और अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो सोयाबीन जो है ये फर्दर नेगेटिव बायस के साथ ही मूव कर सकती है और डाउन साइड में 5600 से 5700 तक स्लिप कर सकती है। अपर साइड में इसका जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट जो है वो 6150 के आसपास है। वहीं सोया रिफाइन में भी इसी के साथ ही, अगर सोयाबीन में नरमी देखने को मिलेगी तो सोया रिफाइन में भी नरमी देखने को मिलेगी, जो कि लेवल है 1270 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट होती कंप्लीट होती हुई दिख रही है और 8530 और 8550 के आसपास फ्रेश पोजीशंस इसमें बाय करके चल सकते हैं अगेन। जी रविंद्र जी, इससे पहले जब हमने सोयाबीन की कीमतों में तेजी आती हुई देखी थी, तब पिछले साल ये भी खबरें थी कि जो पाइपलाइन है वो खाली है, और अभी भी देख रहे हैं कि पाइपलाइन अभी भी खाली ही देखने को मिल रही है सोयाबीन की। तो आपको क्यों नहीं लगता कि अगर सोयाबीन की अराइवल्स ज़्यादा होती भी हैं तो जो स्टॉक है मिलरों के पास और ट्रेडर्स के पास वो इतना नहीं है, और है भी है तो काफ़ी कम मात्रा में या फिर खप चुका है, तो आपको लगता है कि उस दौरान अराइवल्स होने के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में उछाल आएगा? देखिए, वो सोयाबीन प्राइसेस की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रही हैं। अगर अराइवल्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइसेस को प्रेशराइज ही होगा, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है मार्केट में, नो डाउट। लेकिन साथ साथ में हम अगर देखें तो प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी हाई पे हैं, तो वो फैक्टर जो है वो प्राइस इन हो जाएगा, और उसी वजह से हम देखेंगे कि अगर अराइवल्स ज़्यादा होते हैं तो कमोडिटी पे प्रेशर करेगा वो प्राइसेस पे, और प्राइसेस जो हैं वो उसी तरीके से मूव करेंगे और डाउन साइड में 5600 से 5500 के आसपास जाके रुक जाएंगे। और अगर अराइवल्स कम होते हैं तो चांसेस हैं कि ये कमोडिटी अपसाइड बाउंस ले सकती है और 63 से 6500 तक की रेंज तय कर सकती है अपसाइड में। जी,